ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूँ कृतिका। खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है। कोरोना जैसी महामारी से आज पूरा देश जूझ रहा है। सभी जनप्रतिनिधि, शासकीय कर्मचारी एवं विभिन्न सामाजिक संगठन एक होकर इस महामारी का डटकर सामना कर रहे हैं एवं सभी अपने स्तर पर भरपूर प्रयास कर रहे हैं। वहीं जगदलपुर नगर निगम अध्यक्ष श्रीमती कविता साहू ने एक अच्छी पहल की शुरुआत की है, जहाँ कोरोना वायरस में लगे सभी कर्मचारियों जैसे सफाई, मेडिकल एवं अन्य जो ग्राउंड स्तर पर लगातार कार्य कर रहे हैं, उन्हें निगम द्वारा दस्ताने, कैप, मास्क जैसी जरूरी सुविधा जो कि कोरोना से लड़ने में उनकी मददगार है, ये सभी किट लगातार उन्हें उपलब्ध कराई हैं एवं भविष्य में किसी भी प्रकार की कमी ना हो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। वहीं सभापति जी ने बताया कि न्यूनतम वेतन 6000 से 8000 पाने वाले सभी कर्मचारियों को लॉकडाउन के चलते कोई भी राशन सामग्री की कमी नहीं होने दी जाएगी एवं कलेक्टर सर के साथ मिलकर वे सभी कर्मचारियों को आने वाली सभी परेशानियों का निवारण किया जाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए राधा ताम्रकार की रिपोर्ट। मैं कविता साहू, नगर निगम की सभापति। ये आप लोगों ने अभी जो दस्ताना उपलब्ध कराए, किन किन कर्मचारियों को कराए? हमारे नगर निगम के पीएचई के, स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मी, सभी जो फील्ड में काम कर रहे हैं उन लोगों को सबसे पहले हमने उनका सुरक्षा के लिए मास्क उपलब्ध कराए। उसके बाद धूप, बहुत ज़्यादा कड़ी धूप है और उस कड़ी धूप में हमारे कर्मचारी कंटिन्यू काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको हम लोग टोपी भी दिए। उसके बाद उन लोगों का सुरक्षा को देखते हुए हर कर्मचारी को हमने मास्क दिया। उसके बाद हम लोग ने दास्तान दिया और अब मैं आगे भी उन लोगों का सुरक्षा के लिए और भी प्रयास कर रही हूँ। राज्य शासन से भी बात कर रही हूँ कि उन लोगों के लिए अलग से कुछ और भी हम लोग सोचें। जो 6000 तनख्वाह पा रहे हैं और 8000 तनख्वाह पा रहे हैं उन लोगों के लिए हमने राशन का किट बना करके शासन के द्वारा, हमारे कलेक्टर साहब ने उन लोगों का उत्साहित बढ़ाने के लिए राशन किट बांटे हैं और आगे भी उन लोगों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों का सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करने का हम लोगों ने विचार किया है।